a4 apple a double p l e b4 ball b a double l c4 cat C-A-E. जी हाँ दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों के लिए फ्लिप बुक एनिमेशन वाला वीडियो कैसे बना सकते हैं जैसा कि शुरुआत में आपने चार पाँच सेकंड का वो वीडियो देखा तो चलिए सीखते हैं उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए साथ में बेलाइन को प्रेस कर नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती रहे जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनाने पड़ेंगे जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं हमने पिक्सल लैब के माध्यम से यहाँ से कुछ इस तरीके का फोटो वगैरह बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं ए फोर एप्पल लिखा हुआ है और एप्पल का यहाँ पर फोटो भी है यहाँ पर और बहुत सारे फ़ोटो है जैसा कि आप देख सकते हैं एल फोर लायन है यहाँ पर ई फोर एलिफेंट है जेड फोर जेबरा है वाई फोर या किस तरीके के आपको सबसे पहले कुछ फोटोज़ वगैरह कुछ ना ये से लेकर के जेड तक आपको ये फ़ोटो बनाने होंगे इसमें जो इमेज वगैरह इस्तेमाल किया गया जैसा कि सी फोर कैट आप देख सकते डी फोर डॉग देख सकते ई फोर एलिफेंट तो ये सारी इमेज आपको गूगल पर मिल जाता है सिंपल आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाना कैसे हम आगे आपको बता ही देते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले आपको करना है इस बात को समझ लिए उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले आना है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब में अगर आपके फ़ोन में पिक्सल लैब है तो कोई बात नहीं अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद आपको बता दें हम आपको एक बैकग्राउंड देने वाले हैं अन्यथा आप चाहे तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं यही वो बैकग्राउंड है जो कि एक बु ब्लैंक बुक का बैकग्राउंड है और एक टेबल पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से अगर आप चाहे तो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे जो ब्लैंक बुक का बैकग्राउंड होता है वो मिल जाएंगे अन्यथा आप इसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम अपनी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो सबसे दे पहले आपको क्या करना है इस पर ए फोर एपल एफ वी फोरबॉल जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ टाइप में जाएंगे यानी कि ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे ए जैसा कि हमने यहाँ टाइप किया ये लिखा हमने ए उसके बाद सिंपल आपको ओके पर क्लिक करना है यहाँ से जाएंगे आप इसका जो साइज़ है आप बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ से इसका जो कलर है वो आप चेंज कर लेंगे जैसा कि हम यहाँ से रेड कर दिए और फ्रंट वगैरह चेंज करना चाहें तो आप फ्रंट में जा कर के यहाँ से फंट भी चेंज कर सकते हैं हमने खुद का कस्टम फोन भी इसमें डाला हुआ है तो चाहें तो हम अपना खुद का फोन भी ले सकते हैं यहाँ पर रहा है। मेरा एक खुद का फोन कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लेंगे मिड में और सारा इफेक्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ से इसे स्ट्रोक कर दिया हल्का साइडो दे देते हैं कुछ इस तरीके से हम येलो कलर का साइडो दे देते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये बना लेना है तो ये हो गया केवल ए अब ए फोर हमें एप्पल लिखना है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है इसी को कॉपी कर लेना है और डबल टाइप करके इसे एप्पल लिख देना है ए डबल पी एल ए ये हुआ एप्पल और इसका फॉन्ट आपको थोड़ा अलग रखना है जो ए लिखा हुआ है इसे थोड़ा अलग रखना है तो इसका फॉन्ट के लिए आप जाएंगे फिर से यहाँ पर हम पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस फॉन्ट वाले सेक्शन में ये गए फॉन्ट में और यहाँ से आप इसका जो फॉन्ट है इसे कुछ इस तरीके में चेंज कर लेंगे और इसका भी जो कलर वगैरह है आप बदल लेंगे जैसा कि हम यहाँ से इसे ब्लू कर लेते हैं कुछ इस तरीके से तो सिंपल आपको ए एप फोर एप्पल लिख देना है उसके बाद आप बारी आती है इसमें एप्पल की फ़ोटो एडजस्ट करने के लिए तो सिंपल फ़ोटो ऐड करने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपको गूगल से एप्पल का फोटो डाउनलोड करना होगा तो चलिए हमने डाउनलोड कर रखा है उसी फ़ोटो को यहाँ से ले लेते हैं तो ये गए हम अपने मोबाइल फ़ोन के फोटो वाली सेक्शन में और यहाँ से आपकी बार हम इस वाले एप्पल को लेकर के आपको दिखाते सिंपल हम इस पर ट्रैक किए क्लिक किए और इसे हम अच्छे तरीके से यहाँ से इसे एडजस्ट कर दिए अगर आप चाहते हैं इसमें शेडो वगैरह देना स्ट्रॉक वगैरह तो आप दे सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा इंटरेक्टिव लगे यहाँ से आप ब्लर क्वालिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ए फोर एपल वी फोर बॉल सी फोर कैट इसे लेकर के जेड तक आपको बना कर बना लेना है और सिंपल इस फ़ोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेना है गैलरी में सेव करने के बाद अब बारी आती है इसे काइन मास्टर में एडिट करने की तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में काइन मास्टर होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन में अगर नहीं है तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में मिलता है उसके बाद सबसे पहले आप काइन मास्टर में आएंगे कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा तो सिंपल काइन मास्टर में आने के बाद सबसे पहले आपको एक इफेक्ट डाउनलोड करना होगा तो इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एसेट स्टोर करके ऑप्शन देखने को मिलेगा तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे उसके पहले आपको बता दें आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे फ़ोन का जो इंटरनेट है ऑन है यहाँ पर आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो सिंपल आप इस सर्च बार पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है न्यू पेज जैसा कि हम यहाँ से लिख लिए न्यूज न्यू पी ए जी ई और सिंपल ओके okay, कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको आना है इस पर आ, आएंगे और सर्च करेंगे न्यू पेज तो आपके सामने ये वाला एनिमेशन देखने को मिल जाएगा तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करना है जैसा कि आप देख सकते हो फिलहाल ये प्रोसेसिंग में है हमने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है लगभग नाइन पॉइंट थ्री के बी का है एम बी में नहीं है के बी बहुत छोटा साइज़ है तो सिंपल आप इसे इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे फिलहाल एम एरे में इंस्टॉल है इसी प्रकार का एक और एनिमेशन है ठीक इसी तरह का उसे भी अगर आप चाहते हैं यूज़ करना तो आप कर लेंगे उसका नाम है फॉरटीन टेलर शायद तो सिंपल आप सर्च करेंगे ए फो आर टी यू एन जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ही आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं वाला है सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी लगभग एक के बी के करीब का है नाइन पॉइंट एट पॉइंट एट के बी का है तो सिंपल आप इस दोनों इफेक्ट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद आपको आना है बैक और बैक आने के बाद आप सिंपल इस क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद सोलह इंटू नाइन का जो है रहें सेलेक्ट से से करेंगे और सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब बारी आते हैं यहाँ से आपने जो कुछ हुई ए फोर ए बी फोर बॉल सी फोर कैट का जो फोटोज़ वगैरह बनाया है उसे लेने की तो चलिए हम उस फ़ोटो को ले लेते हैं तो ये मेरा पिक्सल है फाइल में है फिलहाल हमने यहाँ पर आपको एक ही फोटो बना करके दिखाया है तो इसे ए वाले को ले लेते हैं उसके बाद हमने और जो पहले बनाया था उसमें फोटो को ले लेते हैं इस तरीके से आप अपना फोटो बना लीजिएगा ले ऐसे लेकर के जेड तक तो सिंपल आपको सिंपल आपको ए बी सी इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है सबको तो हमने ए ले लिया है उसके बाद हमें बी को रखना है तो हम देख लेते हैं वी वाला फोटो किधर ये रहा वी फॉर बॉल वहीं यहाँ से मीडिया पर क्लिक करके सी फॉर कैट को ले लेंगे ये याद रखे आपको मीडिया में जाकर के लेना है लेयर पर नहीं लेना है कुछ इस तरीके से ये मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद सी हो गया उसके बाद डी का लेना है डी फोर डॉव तो ये रहा डी फोर डॉव इस तरीके से आपको ले लेना है जे से लेकर के जेड तक इतना करने के बाद अब बारी आती है इसमें इफेक्ट डालने की तो सिंपल इफेक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है ये जो प्लस वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी डाउनलोड किए होंगे उसमें ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक फोर्टीन टेलर उसके बाद एक न्यू पेज तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्टीन वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक थर्ड और फोर्थ नंबर में आपको पेजिंग टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर एक उल्टा फेज़ इधर से यानी लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट करके ऑप्शन है तो आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अन्यथा न्यू पेज वाले ऑप्शन में भी आपको एक नंबर और दो नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है दो नंबर वाला इसे भी आप इस्तेमाल करके अपने वीडियो में इफेक्ट लगा सकते हैं तो फिलहाल हम यहाँ से फोर्टीन वाला में जो फोर्थ नंबर वाला है इसे हम ही ले लेते हैं कुछ इस तरीके से उसके बाद फिर आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर से इसी इफेक्ट को ऐड कर देना है यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक इसी तरीके से आपको इन सारे वीडियोज़ सारे फ़ोटोज़ में ये जो चार नंबर वाला इफ़ेक्ट है फोर्टून टेलर का इसे आपको ऐड कर देना है यहाँ से हमने चार ही फोटो लिया है इसे लेकर के डी तक आप जेड तक ले लीजिएगा अपना पूरा और उसी तरीके से लगा दीजिएगा उसके बाद एक बार प्ले करके देखिएगा तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा इसका टाइमिंग ज़्यादा है तो आप यहाँ से इसे कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका ड्यूरेशन घटा सकते हैं अन्यथा चाहे तो आप पूरा वीडियो को बनाने के बाद उसका स्पीड भी कम कर सकते हैं और प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर प्ले होगा जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद इस तरीके से करने के बाद अब बारी आती है इसमें वॉइस ओवर करने की तो वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना ये जो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होता है और आप ये वीडियो चलता जाएगा इस तरीके से और आप इस वीडियो को देखते जाइए और अपना आवाज इसमें डालते जाइए यानी कि वॉइस बोलते जाइए आपके वीडियो के साथ आपका वॉइस इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और सिंपल आप इसे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा हम आपको यहाँ पर लाइव वॉइस ओवर करके नहीं दिखा सकते क्योंकि एक बार में एक फोन में केवल एक ही वॉइस रिकॉर्ड होगा जो कि पहले से स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड हो रही है अगर हम दूसरा वॉइस रिकॉर्ड करना चाहें तो नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा उसके बाद इस माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके और सिंपल प्ले कर दीजिएगा ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये प्ले होता रहेगा और इसके साथ साथ आप देखते जाइएगा और उसके अनुसार वॉइस को बोलते जाइएगा ऑटोमेटिक आपके इस वीडियो में वॉयस एड हो जाएगी वॉइस ऐड होने के बाद एक बार फिर से प्ले करके रिव्यू करके देख लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी बन जाएगी तो सिंपल आप इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे अपने मन फॉर्मेट में यहाँ पर सेट करके उसे सिंपल आ, सेव करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके कमाई कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ यही जानकारी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए अच्छा लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं फिर आपसे अगले